दोस्तों, चाइना स्पेस स्टेशन की पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने स्पेस स्टेशन से रिलेटेड काफी मालूमात फराहम किया था। अब आप इस वीडियो के पार्ट थ्री में आगे देखेंगे कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से रोजमर्रा के वो काम करेंगे। पार्ट थ्री जो कि पेस्ट्री चैनल में स्पेस स्टेशन का लास्ट पार्ट है।现在打开舱门进入奉天实验舱。神舟十四号明白。神舟十四号报道，未安装舱门保护罩。北京明白。 神舟十四号报告，乘组已顺利进入奉天实验舱。神舟十四号报告，未安装舱门保护罩。北京明白。 神舟十四号报告，舱门保护罩安装完毕。北京明白，我听你声音好。 梦天问天，天宫梦圆。神舟十四号报告，乘组已顺利进入梦天实验舱。圆梦九天，精彩继续。中国空间站，全人类共同的太空家园。 祝梦苍穹，唯有奋斗，让我们开启全新的太空之旅吧！祝贺神舟十四号顺利进入梦天实验舱，迎来全新的空间站 T 字构型组合体。你们辛苦了，我们天地协同，继续完成好后续任务。 आपने तीनों पार्ट देख लिए हैं तो कमेंट्स करें और मुझे बताएं क्या इस तरह की और भी सीरीज शुरू की जाए। दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि आपके पेस्ट्री चैनल का हक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के ऑल पर भी फिंगर से प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।